उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हो गई है। हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़क पर उतर आए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान प्रदेश में अभी तक किसी भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश की विद्युत व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सीएम सिटी गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक और जालौन से लेकर लखनऊ तक बिजली का संकट गहराने लगा है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश भर में हाहाकार की स्थिति है। हालत ये है कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से पीने के पानी से लेकर तमाम जरूरी व्यवस्थाओं पर संकट बन गया है। वहीं दूसरी ओर बिजली मंत्री ए के शर्मा ने कहा है कि अगर किसी भी हड़ताल के वजह से कोई अराजक स्थिति बनी या किसी को परेशानी हुई तो संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं सेवा नियमों में बदलाव और निजीकरण का विरोध करते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सड़क से लेकर विभागों तक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। नहीं, अभी तो सांकेतिक जो हमारा 72 घंटे की हड़ताल है वो तो जारी रहेगी एज इट इज। अब जो प्रशासन को करना है वो करें, हमने अपने सारे सबस्टेशन सब कुछ प्रशासन को हैंड ओवर कर दिए, वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। अब हमारे सारे संविदा कर्मी से लेकर के अभियंता संवर्ग तक के लोग इस हड़ताल में शामिल हैं, और अभी जो भी हमारे निर्देश है वो यही है कि हमें हड़ताल पर अटिक रहना जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। हमारी लड़ाई हमारे प्रबंधन से है जो बिल्कुल भी हमारी मांगों को हमारे वेलफेयर के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और हड़ताल जारी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की हैं, जहां पर बिजली का संकट गहरा गया है। ऐसी ही तस्वीरें आजमगढ़ जिले में मिली हैं, जहां 30 घंटे से बिजली का आना जाना लगा है। गाजीपुर में भी ऐसे हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जनता कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के कारण परेशान होती है, हर बार यूनियन बाजी के चक्कर में ऐसी ही हड़ताल से लोगों का जीवन प्रभावित होता है। विद्युत कर्मचारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, वही हड़ताल आजमगढ़ में भी देखने को मिला। आजमगढ़ भी पूरे अंधेरे में छा गया है, यहाँ पे भी लाइट 30 घंटे से अधिक हो गई है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। लोगों आम जनमानस को काफी समस्या हो रही है, पानी की लगते है, अब बाहर से पानी ढोना पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटलों में भी दिक्कत हो रही है। वहीं आम जनमानस ने आक्रोश हो गए और रोड पर निकल कर धरना प्रदर्शन भी किया और सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, सड़क पर बैठ के अनशन भी किया, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। वही मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा तो उच्च अधिकारी ने आके आश्वासन दिया कि जल्द ही आपका बिजली आ जाएगा, आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली आएगा, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई है, लोगों में आक्रोश है। और आजमगढ़ डीएम ने भी एक नंबर जारी किया था कि अगर कहीं लाइट नहीं रहती, अगर कोई दिक्कतें आती उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का सुधारा जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि हमने फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। वही दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग अलग है। उनका कहना है कि उनके जीवन पर संकट है। कर्मचारी ये चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने। 72 घंटे की हड़ताल को शांतिपूर्ण तरीके से करने का फैसला किया गया है। कर्मियों के साथ 16 घंटे तक बिजली कर्मियों को भूखे प्यासे जबरदस्ती उनसे काम लिया गया। जिन बिजली कर्मियों की ड्यूटी रात को 10 बजे समाप्त हो रही थी उनको सुबह 6 बजे रिलीव किया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रबंधन का बिजली की इकाइयां चला नहीं पाया है। अनपारा में 210 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां, ओबरा में 200 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां और परीक्षा में 210 मेगावाट क्षमता की 1 इकाई ठप हो गई है। बिजली व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है और बिजली कर्मियों के न होने से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी प्रदेश के अनेक जिलों में चरमरा गया है। मैं एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हड़ताल हमारा उद्देश्य नहीं है, एक समझौता हुआ है माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ 3 दिसंबर को, उसको पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा है। मजबूरन बिजली कर्मियों को हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य किया गया है। मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप हस्तक्षेप करें, बिजली कर्मियों का लक्ष्य हड़ताल नहीं है, समझौते का क्रियान्वयन हो, बिजली कर्मी काम पर वापस लौटे, ये टकराव का वातावरण समाप्त हो। इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन कोई अराजक स्थिति बनती है या प्रदेश में कोई परेशानी होती है तो सरकार ने भी ये साफ किया है कि हड़ताल तो अपनी जगह, लेकिन कोई अराजक स्थिति बनने या किसी को दिक्कत होने पर कर्मचारियों पर एक्शन होगा।